आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए सुबह 8:15 में, 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड मिल क्रॉस किए हैं, रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसपालिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है, उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है जो गोली चला है। तो ये पूरा पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। घर से निकले 3 मिनट के अंदर में जेटिंग मशीन रास्ता पर लग जाता है एवं साथ ही साथ जो है उसके गुंडे या क्रिमिनल तृणमूल के लोग आके बम। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये तुरंत का प्लानिंग नहीं हो सकता, ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे ठीक उस समय जो अटैक किया। पुलिस क्या किया? पुलिस पुलिस तो मुख्य दर्शक है, पुलिस ही तो सपोर्ट किया, पुलिस ही तो खबर दी है। हमारे पास पुलिस का जो बंगाल पुलिस का सिक्योरिटी था सिक्योरिटी विड्रॉ हुआ है और ये जो अटैक हुआ है ये टोटली पुलिस का खेल है, पुलिस का तृणमूल का मिली मदद है। आपका नाम? प्रियांगु पांडे। आपके पास विजुअल है ना, जो वीडियो है? हाँ बिल्कुल, सभी लोगों के पास आप जाकर अभी भी गाड़ी में ले सकते हैं, हमारे दोनों गाड़ी में देखिए। हमारे लोग जो रवि सिंह गाड़ी को रिवर्स करवा के जब बढ़ाने का प्लान किया उनके ऊपर जो गोली चला है, 25 से ज्यादा स्टेशन के माथे में भी हो चुका है। रवि वर्मा हमारा ड्राइवर को लगा है। कितने इंजर्ड हुए? डीपली इंजर्ड 2 लोग हैं, ऐसे इंजर्ड 7 लोग हुए। क्या हुआ? प्रियंकु पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहां लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा, और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है, 7 राउंड गोली चला है, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली ACP की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी BJP का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंकु पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी, और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। आज स्थिति यह है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो ACP के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं, जुआ चलाते हैं और हीरोइन बेचते हैं, और ACP के निगरानी में ये सारा घटना घटा है। सर सब जगह में बारकी को देख रहे हैं, TMC पे सब बैठे हुए हैं, जो जहाँ रेल अवरोध हो रहा है या BJP अवरोध कर रहे हैं उन लोगों को हटा दे रहा है, मार रहा है BJP नेता को, जो बारकपुर में उसको भी अटक किया गया है। देखिए तृणमूल के पास अब कुछ रह नहीं गया, पैर के तले की जमीन तो खिसक चुकी है, अब पुलिस और गुंडा रह गया है, और ये पुलिस और गुंडा के बल पर इनकी सरकार चल रही है, तो जितना दिन तक ये रहेंगे उत्पात तो करेंगे। आप लोग अभी प्रोटेस्ट करेंगे इसका? प्रोटेस्ट तो पहले लोग जिसको जिसको लगे उसको जान तो बचाए, फिर उसके बाद तो प्रोटेस्ट। देखिए ये खाली प्रोटेस्ट करके यहाँ कुछ होने वाला नहीं, ये बैरकपुर है, यहाँ रिएक्शन नहीं कीजिएगा तो कोई प्रोटेस्ट से फायदा नहीं, और रिएक्शन का रूप क्या होगा ये बाद में ठीक करते हैं। घायल है 2 आदमी को चोट लगा है, 1 आदमी स्थिति बहुत गंभीर है, 1 आदमी हो सकता है बच जाए, लेकिन 1 आदमी के बचने की संभावना कम है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.